हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छा और यूनिक टॉपिक जिसको बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम वीडियो ला रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा ताकि आपकी जानकारी अधूरी ना रहे। चलिए फ्रेंड, देर ना करते अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है सिक्योरिटी का, ठीक है, कि जैसे अगर एक मॉल्स के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है या फिर कंपनी में है या फिर किसी फर्म में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसका प्रमुख काम है सिक्योरिटी प्रदान करना। जो भी लोग हैं उनको सिक्योरिटी देना, जो भी चीजें उसके जैसे जो कंपनी के अंदर इक्विपमेंट लगे हैं, मशीनें लगी हैं, ठीक है, महंगे महंगे आइटम लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर हमारे स्टोर्स के अंदर अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो वहां पे कस्टमर आना है, कस्टमर की सुरक्षा, प्रोडक्ट की सुरक्षा, ठीक है, स्टाफ की सुरक्षा, इन सबका ध्यान रखना, ठीक है, उन सबको सुरक्षा प्रदान करना किसका काम होता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है। फ्रेंड, तो फ्रेंड इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो है वो उस चीज के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है बी विजिबल, ठीक है। विजिबल का मतलब ये है कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, उसको वेल ड्रेस में होना चाहिए, ठीक है, जो उसको ड्रेस दी गई उसमें ड्रेस के अंदर होना चाहिए और इन फ्रंट पे होना चाहिए, ठीक है, फ्रंट एरिया पे होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी कोई गलत बिहेव करना चाहता है वो सिक्योरिटी गार्ड को देख के वहां से उसको छोड़ देता है, पीछे हट जाता है, ठीक है। तो अगर वहां पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, ठीक है, तो वहां पर कोई भी इस तरीके की जो क्रम है वो नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा विजुअल होना चाहिए, ठीक है, विजुअली फ्रंट पे होना चाहिए, ठीक है, विथ ड्रेस में, जिससे पता चल सके लोगों को कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। फ्रेंड, एक सिक्योरिटी गार्ड का सेकंड पॉइंट जो है वो है पेट्रोलिंग, ठीक है, पेट्रोलिंग करना या इंस्पेक्शन करना, ठीक है, टहलते हुए जैसे भी राउंड लगाते हुए, जैसे एक स्टोर दिया गया है सिक्योरिटी गार्ड को, एक स्टोर दिया गया तो वहां पे पेट्रोलिंग करना, इंस्पेक्शन करना, राउंड लगाना, कैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका स्टोर जो है वो क्लोज हो गया, उसकी सेल अब क्लोज हो गई, अब स्टोर बंद करने का टाइम है, तो क्या करेगा सिक्योरिटी गार्ड, पेट्रोलिंग करेगा, स्टोर के अंदर राउंड लगाएगा कि अंदर कोई कस्टमर तो नहीं है बाकी, ठीक है, या फिर कोई चीज जो है, कोई प्रोडक्ट है वो जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो खुला तो नहीं रह गया, उसको बंद करना, ठीक है, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है उसको चेक करना, कोई चीज टूटी तो नहीं है उसको चेक करना। जब सारी चीजें चेक कर लेता है कि सब कुछ यहाँ पर सही है, कोई कस्टमर नहीं है, तो उसको क्लोज किया जाता है स्टोर को, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या करना, पेट्रोलिंग करना, ठीक है, इंस्पेक्शन करना, या हम कह सकते हैं कि जैसे स्टोर बंद हो गया तो रात में नाइट में एक चक्कर पीछे लगा दिया, स्टोर के साइड से भी ध्यान रखना, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई फर्म मिली हुई है, कंपनी मिली, तो कंपनी को भी पेट्रोलिंग करना, इंस्पेक्शन करना, चेक करना कि कंपनी कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद उसको क्लोज करना और साथ में राउंड लगाते रहना, ठीक है। ये भी एक स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड का या फिर कंपनी के अंदर कह सकते हैं या फिर कहीं पे भी सिक्योरिटी गार्ड का वर्क होता है, ठीक है फ्रेंड, पेट्रोलिंग करना, ठीक है। उसके बाद विजिटर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, जो भी विजिटर आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में है या ऑफिस के अंदर है, ठीक है, और आपको सिक्योरिटी गार्ड का वर्क मिला हुआ है, तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा कि जो भी स्टोर्स या फिर कंपनियां ऑफिस में विजिटर आ रहे हैं उनका डेटा नोट करना, ठीक है, उनका एक रजिस्टर मेंटेन करना जिसमें उनकी जानकारी हो कि कितने लोग अंदर आए उसकी जानकारी, कितने लोग बाहर गए उसकी जानकारी मेंटेन रहनी चाहिए। फ्रेंड, इसके रिगार्डिंग अब क्या हो गया है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको जो है एक मोबाइल दे दिया जाता है, मोबाइल के अंदर एक ऐप जो है डाउनलोड करके दे दी जाती है, क्योंकि वक्त के हिसाब से सारी चीजें चेंज हो रही हैं, अब एप्स आ गई हैं, एप्स को आप डाउनलोड करके उसके अंदर जो है ना उसकी डिटेल को भर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन डिटेल को भर सकते हो। उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ विजिटर्स होते हैं उनका जो है पहले से अपॉइंटमेंट होता है, तो जब वो विजिटर यहाँ पर आता है तो आप जब उसकी जो है ना डिटेल फिल करते हो तो विजिटर जो है ना बहुत ज्यादा एंग्री होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, तो इसके रिगार्डिंग क्या करा गया, ऐप का यूज किया गया, ऐप में आप जैसे ही डालेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आप फौरन उसको डन करके आगे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई नया विजिटर आया तो आपको उसकी डिटेल भरना रहेगी, वहां पर उसकी जो विजिटर आया उसकी आईडी को नोट करके वहां पे आप डिटेल डाल सकते हैं, और जब वो वहां से जाता है तो उसकी इन और आउट की आपको डिटेल डालनी होगी,
ठीक है फ्रेंड, तो आप जो है रजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं, ऐप का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आप जो है ना कस्टमर से अच्छे से बात करके कस्टमर का डेटा वहां पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी गार्ड का एक ये भी काम होता है कि जो भी विजिटर आ रहा है, जो भी कस्टमर आ रहा है, उनकी इन और आउट की डिटेल रखना, मेंटेन रखना रजिस्टर के अंदर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम बात करते हैं बी फ्रेंडली। जो भी हमारा सिक्योरिटी गार्ड है उसका मेन वर्क क्या होता है, फ्रेंडली वर्क करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक शॉपिंग मॉल्स के अंदर है और आपको एक सिक्योरिटी गार्ड का वर्क दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है एक मान के देखिए कि जब एक स्टोर है या फिर मॉल्स है जहां पर आप खड़े हैं, ठीक है, इन फ्रंट पर आप होंगे, ठीक है, तो जब वो कस्टमर स्टोर्स के अंदर आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले किससे बात करेगा, सबसे पहले किसको देखेगा, ठीक है, उसकी नजर सबसे पहले किस पर पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नजर पड़ेगी, आप ही बता सकते हैं, जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर नजर पड़ेगी। ठीक है, आप सिक्योरिटी में, आपकी वो सबसे पहले देखेगा, आपसे बात करेगा, ठीक है, कोई परेशानी होगी तो आपसे पूछेगा। ठीक है, उसके बाद वो सेल्स पर्सन को देखेगा। ठीक है, अगर आप कस्टमर जैसे इंटर हुआ स्टोर्स में, ठीक है, स्टोर्स में जैसे इंटर हुआ आपने कस्टमर से अच्छे से बात करी, ठीक है, कस्टमर को विश किया, ठीक है, कस्टमर से बात करी, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने वहीं पे उसको कस्टमर को प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया, ठीक है, कस्टमर से अच्छे से बात करी, फ्रेंडली होके बात करी, ठीक है, या विजिटर है उससे फ्रेंडली होके बात करी आपने, ठीक है, किसी ऑफिस या कंपनी के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपसे खुश हो जाएगा। ठीक है, आपने जैसे कोई उसको प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो उसमें उसने जो है ना आपसे कोई चीज पूछी तो आप उसको अच्छे से बता दीजिए। ठीक है, आपने अच्छे से उसको बताया, इससे क्या होगा कि आपका काम तो आप कर रहे हो एक सिक्योरिटी गार्ड में, लेकिन आपके लिए 3-4 लाइनें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, 3-4 जॉब के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जहां पर आप वर्क कर सकते हो, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक है, आप ऑलराउंडर हो जाओगे। कैसे, आप वर्क तो कर रहे हैं एक सिक्योरिटी गार्ड में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को डील भी कर रहे हो। ठीक है, कस्टमर को कस्टमर सर्विस भी दे रहे हो, कस्टमर को जानकारी दे रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका 2-3 सेक्टर ऐसे ही ओपन हो जाएंगे, जैसे कि आप सेल्समैन में अप्लाई कर सकते हो कहीं पर, या फिर कस्टमर सर्विस में अप्लाई कर सकते हो, CSD में अप्लाई कर सकते हो कस्टमर सर्विस डेस्क के लिए, या फिर आप किसी कंपनी में, बैंक में रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ फ्रेंड, आप वर्क तो कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड में, लेकिन आपके अगर आपने कस्टमर से बी फ्रेंडली बात किया, आपने अच्छे से बात किया, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपके लिए जो है ना और 2-4 ऑप्शन और खुल जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको जो भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसमें कस्टमर के साथ बी फ्रेंडली रहना है। ठीक है, कस्टमर से अच्छे से बात करना है, कस्टमर को अच्छे से जानकारी देना है। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में वर्क कर रहे हो तभी आप कस्टमर अपने क्लाइंट अपने विजिटर के साथ में अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से बात करें। ठीक है, इसी को कहते हैं बी फ्रेंडली। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है पार्किंग चेकिंग। ठीक है, आपको जो है जो भी स्टोर्स दिया गया उसकी पार्किंग को प्रॉपर चेक करके रखना है, जो भी वहां पर कार्स आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, वो अच्छे से पार्क हो पा रही हैं या फिर नहीं। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कहीं पर जगह जो है पीछे खाली है और किसी ने आगे लाके कार अपनी लगा दी। ठीक है, तो क्या होगा, जो नेक्स्ट जो जगह होगी, जो एरिया होगा, जो स्पेस होगा, ठीक है, उसको और लोग जो है यूज नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, शुरू में ही भीड़ लग जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिस्टम वाइज सिस्टमेटिक वे में गाड़ियों को जो है ना पार्क कराना है। ठीक है, तो अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में वर्क कर रहे हैं तो आपको पार्किंग के ऊपर भी ध्यान रखना होगा, ये भी आपके वर्क के अंदर आता है। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है फायर एक्सटेंशन एंड इमरजेंसी सिस्टम यूज। फ्रेंड आपको जो है जो फायर में जैसे कहीं पे आग लग जाए तो उसके लिए जो फायर के सिलेंडर्स लगे होते हैं उसको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे हम आग को बुझाएंगे। ठीक है, या इमरजेंसी सिस्टम क्या है उसको यूज करना आना चाहिए, इमरजेंसी नंबर क्या है वो उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपको सिक्योरिटी में आग लगे हैं और कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप उस टाइम पर क्या करेंगे। ठीक है, इमरजेंसी में जो जैसे फायर एक्सटेंशन के जो सिलेंडर्स लगे होते हैं उनको कैसे यूज करेंगे, कैसे उसके द्वारा आग बुझाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे उस टाइम पर वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको इमरजेंसी सिस्टम जो है उसको यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव पैकेज। जो भी हमारे स्टोर्स के अंदर आ रहा है या फिर कंपनी के अंदर आ रहा है, जो भी कोरियर के थ्रू जो पैकेज आ रहा है, ठीक है, उसको रिसीव करना, उसकी जितनी भी डिटेल है उसको सेव करना, लिख के रखना। ठीक है, यानी जो गेट के ऊपर जो भी पैकेज आया उसको मैंने लिया, उसकी सारी डिटेल सेव करी, कहाँ दिया जाएगा उसकी भी सेव करी,
अगर जैसे मान लीजिए कोई कुरियर आया है जो ऊपर से दिख रहा है कि टूटा हुआ है, डैमेज है, तो उसकी भी डिटेल बना के अपने पास रखनी है, और जो आपके मैनेजर हैं, सीनियर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये चीज़ डैमेज आई है, ठीक है। तो इसका भी डेटा आपको सेव करके रखना, पैकेज को रिसीव करना, ठीक है, जो भी पैकेज आ रहा है उसको रिसीव करना, उसकी डिटेल भरना, ठीक है। तो ये भी पैकेजिंग को रिसीव करना भी एक सिक्योरिटी गार्ड के वर्क के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एनी मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क। जो भी हमारे स्टोर्स के अंदर या फिर कंपनी या फिर ऑफिस के अंदर रिपेयर वर्क का काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, रॉ मटेरियल आएगा, जैसे सीमेंट है, इस टाइप की चीजें आएंगी, ठीक है, स्टोर्स के अंदर आएंगी, ठीक है, मैकेनिक आएंगे, काम करने वाले लेबर आएंगे, तो उनका क्या होगा, डेटा रखना, ठीक है, उनको ध्यान रखना कि वो अच्छे से वर्क कर रहा है या फिर कोई कोई ऐसी नेगेटिव जो है ना एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान रखना। ये सब किसका काम होगा, सिक्योरिटी गार्ड के अंदर आता है, ठीक है, कि हमारे स्टोर्स के अंदर कोई बाहर से व्यक्ति आया है तो वो क्या कर रहा है, उसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर चेकिंग। हमारे स्टोर्स, कंपनी या फिर ऑफिस के अंदर जो भी आ रहे हैं लोग, ठीक है, उनका प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक है, जितने विजिटर आ रहे हैं इन आउट, उनकी जो है ना डिटेल को सेव करके रखना, जो भी हमारे यहाँ वर्कर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, उनका ध्यान रखना कि वो सब सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, या फिर जब हमारा स्टोर क्लोज हो जाता है, जब हमारी कंपनी ऑफिस बंद हो जाता है, ठीक है, तो हमें जो है ना सब चीज चेक करके रखना कि सब चीज प्रॉपर ठीक है, कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इस चीज का प्रॉपर हमें ध्यान रखना। कुल मिला के जो भी सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका सबसे मेन वर्क यही होता है कि जो भी स्टोर्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखना, ठीक है, और स्टोर्स के अंदर जितने भी इक्विपमेंट हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जितने लोग बाहर से अंदर आ जा रहे हैं, ठीक है, उसका डेटा मेंटेन करके रखना। ये सब कुछ काम होते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। फ्रेंड, जो मेन काम थे वो मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ अलग अलग जो है ना कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वर्क थोड़े चेंज हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जो मेन मेन चीजें थी छोटी छोटी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, और अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, वहां पर जाते हैं, तो आपको वहां की कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से थोड़ी चीजें चेंज पर मिल जो सकती है। हमारे द्वारा जानकारी यहाँ पर दी गई आपको, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहे तो हमारे वीडियो को अभी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके की जितने हम वीडियो ला रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।